हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 मैथ प्रश्न वाली 2.2। इसमें दिया हुआ है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करते हैं। इसमें एक नंबर दिया है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात किए, मतलब योगफल निकालना है, मतलब बिना ऐसे, मतलब ऐसे जोड़ के है, जैसे कि इसको इसको जोड़ करके उसे उसे नहीं करना है, इसको दूसरा नियम से बनाना है, मतलब योग सक्रिय किए बिना, मतलब योग नहीं करना है। तो इसमें चलते देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जितना है सब विषम संख्या है। देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? ये विषम संख्या है। तो इसमें क्या करना है? इसमें वैसा गुणा नहीं करना है, इसको पहले गिन लेना है। इसमें कितना संख्या है इसको गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो इसको 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 5 × 5 = 25। तो इसको पूरा जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, यही आंसर है। देखिए, गुना जोड़ करके देख लीजिए, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, तो ऐसा आंसर हो गया 25। अब 2 नंबर, उसमें भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, इसको फिर पूरा गिन लेना है कि एगो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको कर देना है 7 का स्क्वायर, मतलब 7×7=49, यही आंसर। और एक और दो जो क्वेश्चन है उसको भी इसी तरह कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, खाली गिनना है, गिनने का जितना संख्या आएगा उसको वर्ग कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्या है, मतलब इसका और इसका वर्ग करने के बाद कितनी संख्या है। तो इसके चलिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो यहाँ देखिए, 3 के बाद क्या आता है? 5 के 5, 6, 7, 8, तो ई और दोनों के बीच कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर होगा 4। इसको इसको करना है क्या कि जिसका, जैसे कि दोनों का वर्ग वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो ये दोनों के बीच, मतलब ये वर्ग करने के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 9, मतलब कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 4 संख्या। जैसे एक और दूसरा उदाहरण समझते हैं, जैसे कि 3 और 4, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो इसको इसके बीच कितनी संख्या है? तो 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गया। तो इसके और इसके बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर 6 होगा। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे क्या पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या को 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए 2 संख्या है, 2 है, तो इसको गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 4, तो 4 आंसर आ रहा है। जैसे कि इसको 3 है, तो 3 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो इस एग्जाम्पल से यही पता चल रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो है उसको 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों का वर्ग के बीच आ जाएगा, क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ी संख्या का वर्ग निकालना असंभव है। तो इसी एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल के तौर पर किए हैं उसी को करना है। तो चलिए मैं देख लेते हैं इसको। जैसे कि सबसे छोटे से क्या है? 43 है या 44, इसको 2 से गुना कर देंगे, 3 दुगने 6 और 4 दुगने 8, मतलब इसका आंसर 86 हो जाए। तो इसके और इसके बीच, इसके इसका वर्ग करने के बाद कितना संख्या है? 46, 86, सॉरी 86
अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। इसमें है 14 और 15, तो इसको भी जिस इसमें से छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या 14 है, तो 14 का 2 से गुणा कर देंगे तो 28, मतलब इसको और इसके बीच कितनी संख्या है, 28 है, तो इसके आंसर 28 हो गया। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा नंबर 34 और 35, तो सबसे छोटे ये दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 34 है। अब 34 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूने 6 8, इसका आंसर 68 आ गया। मतलब इसी एग्जाम्पल के आधार पर करना है, क्योंकि इतना बड़ा का वर्ग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, असंभव है, मतलब नहीं हो सकेगा, तो इसको इसी तरह करना है। तो चलिए अब 3 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमांगत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए, मतलब क्रमांगत मतलब लगातार, 2 लगातार योग के रूप में लिखना है। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 को एक ऐसी संख्या से लिखेंगे जैसे कि उसका क्रमांगत मतलब लगातार संख्या से योगफल करने के बाद 9 आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए इसके 4 और 5, तो 4 और 5 कितना होता है, 9, तो लगातार 4 के बाद 5, ये लगातार संख्या है। जैसे कि एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लेते हैं, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25, तो 25 को एक ऐसी संख्या से लिखना है, एक ऐसी मतलब क्रमांगत संख्या से लिखना है, योग करना है, जैसे कि 12 प्लस 13, तो 12 और 13 कितना आता है, 25। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब लगातार संख्या से योग करना है। तो देखिए इसके इसको अब क्या करेंगे, जैसे कि 25 आ गया, जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के 2 काट कूट, फिर 5 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आगे, तो मतलब 12 12, इसके जस्ट एक आगे आगे चल जाएंगे, मतलब एक बाद वाली संख्या को लिखेंगे, जैसे 13 12 और 13, तो 13 को 12 और 13 हो गया, जैसे कि 9, तो 9 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, तो क्या होता है इसका भागफल, भागफल 4, तो 4 के बाद जस्ट आगे आगे वाली संख्या को लिखेंगे, 4 के बाद क्या होता है, 5, तो 5 और 4 के बीच जो संख्या आएगा वही होगा। तो इसमें यह कि 23, तो 23 का वर्ग करेंगे, तो 23 का वर्ग मतलब क्या होता है, 23 गुना 23, तो इसमें क्या आएगा, 23 करेंगे, 23 गुना 23, तो 3 3 9, 3 2 6, फिर 3 2 6, 2 2 4, तो इसको करेंगे 9 6 6 12 2 8 1 4 5 529, तो इसको करेंगे यहाँ 529, तो 529 को अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 529 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 4 1 12, 6 2 12, फिर काट कूट, फिर 9, तो 9 4 2 8, 1 मतलब 264 आ रहा है, तो 264 यहाँ लिखेंगे, 264, तो इसके जस्ट आगे वाली संख्या को लिख लेंगे, तो 264 के बाद क्या आएगा, 265, तो इसका यही आंसर आ गया। इसको जोड़ के देख लो, ये वाला संख्या आ जाएगा, तो बस और कुछ नहीं करना है, इसी तरह करना है। देख लीजिए और क्वेश्चन 15 नंबर, ये 2 नंबर 15 का स्क्वायर है। अब 15 को क्या करेंगे, 15 को 2 बार गुना कर लेंगे, 15 15 225 आएगा, तो 225 का 2 से डिवाइड कर देंगे, 225 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के 2 2, फिर 2 के 2, फिर 5, 2 2 4, काटकुट मतलब काटकुट नहीं, 1 1 बचेगा, तो इसमें क्या आ रहा है, 112, तो 112 के बस जस्ट आगे वाली संख्या 113, ये दोनों को योग करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसको लगातार होना चाहिए और कुछ नहीं होना। तो और एक क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पे
अंत करता हूँ, फिर अगला चैप्टर बताएंगे।